ओके एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा होगा। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं MBSI पेपर के साइंस के सॉल्यूशंस। तो आई होप कि जितने भी मैं सॉल्यूशन यहां पे करवाऊं वो सारे के सारे आप पे ठीक हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप अब यहां पे हम शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशंस। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा साइंस का, वो है क्वेश्चन नंबर 59। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 59? क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज आर टू बी गिवन कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मतलब कौन सी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना जरूरी ही है। जैसे कि मान लो कि आपकी कोई दुकान है सिंपल, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि लाइसेंस लो ही लो, है ना। कोई किराना की शॉप है तो जरूरी थोड़ी कि उसमें आप लाइसेंस लेंगे। बट देर आर सर्टेन फील्ड्स, देर आर सर्टेन इंडस्ट्री जिनका लाइसेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो हैजार्डस मटेरियल रखते हैं, जो डिफेंस में काम करते हैं, जो कोर सेक्टर्स हैं ना आपके, और कोई फ्लैमेबल है, कोई एक्सीडेंट हैपनिंग का हो सकता है उसमें चांस, तो उसमें लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, चलो। तो अगर इसका हम देखें ऑप्शंस में, अगर इनको ऑप्शंस में हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, बिल्कुल डिफेंस सिस्टम के अंदर हमें लाइसेंसिंग की जरूरत है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, बिल्कुल जहां पे एक्सप्लोजिव के साथ में डील हो रहा है, इसका मतलब वहां पे लाइसेंसिंग बहुत जरूरी है। और हजार्डस केमिकल्स वही एक्सप्लोजिव के ही कैटेगरी में आ गया। तो इन तीनों ही तीनों इंडस्ट्री में हमें लाइसेंसिंग की जरूरत है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली साइंस का क्वेश्चन है, बट साइंस में करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम NCSM जो है आपका, हैज सेट अप साइंस सेंटर इन उदयपुर। तो वो कहाँ, कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, त्रिपुरा में ये बेसिकली क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 61? क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि फर्स्ट एड इज द खालिस्तान हेल्प विच एन इंजर्ड पर्सन नीड। देखो, जब स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल किसी को कोई चोट लग जाती है, तो इनिशियली उसको जो मेडिकल हेल्प दी जाती है उसको आपको पता है कि फर्स्ट एड बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये सेकेंडरी नहीं है, ये फर्स्ट हेल्प दी जाने वाली हेल्प है। अगर मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा दी जाए, है ना, तो इस काइंड ऑफ फर्स्ट एड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 61 जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, हाउ कैन वी स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड ऑफ एन इंजर्ड पर्सन बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों रिलेटेड ही है ये। तो फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट प्राइमरी मेडिकल एड दिया जाता है पेशेंट को। और यहाँ पे जैसे मान लो कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, तो हम उस पर क्या लगाएंगे, बैंडेज लगाएंगे। तो कोल्ड क्रीम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, कोई एंटीसेप्टिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या, बैंडेज आपको बेसिकली अप्लाई करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 62। चलिए 63 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे आपको एक मिश्र धातु दी हुई है चार, जैसे कि स्टील, पीतल, अमलगम और कांस्य। तो इसमें पूछ रहा है कि एलॉय आपको पता है कि दो चीजों को ऐड करके बनाया जाता है। ठीक है, दो मेटल को ऐड कर दिया या एक मेटल एक नॉन मेटल को ऐड कर दिया गया, इसको क्या बोलते हैं हम, एलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा और आपका सही भी होगा, स्टील जो है, स्टील तो बेसिकली स्टील के अंदर, आयरन के अंदर कार्बन डाला जाता है 1.2%। ठीक है, आयरन के अंदर अगर आप कार्बन डालते हो ऑलमोस्ट 1.2% डाला जाता है, तो क्या बनता है आपका, स्टील बनता है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टील इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 63। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 64।
वॉट इज फेंटिंग, फेंटिंग क्या है? देखो फेंटिंग का मतलब क्या होता है, फेंटिंग का मतलब होता है कि टेम्परेरी लेवल पे आप बेहोश हो जाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को खो दें, उसको फेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। फेंट कर गया, आपने सुना होगा ऐसा बहुत बार। अ रेस्पॉन्स टू फियर, एक डर की प्रतिक्रिया है? नहीं, एक डर की कोई प्रतिक्रिया नहीं है ये। अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ये सही आंसर है। एक छोटे से टाइम के लिए आप अपने होश खो देते हो, बेहोश हो जाते हो, कॉन्शियसनेस जो है आपकी ख़त्म हो जाती है, ब्लैंक हो जाते हो आप। तो इसको क्या बोला जाता है कि चेतना की संक्षिप्त हानि हो जाती है, ठीक है। तो ए साइन ऑफ फ्लू नहीं, मतलब कोई भी फ्लू का संकेत है नहीं। एन एक्सपेक्टेड कोलैप्स नहीं, कोलैप्स भी नहीं है। तो ये जो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी लॉस हो जाती है थोड़े से टाइम के लिए, उसको फेंटिंग बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 में देख लेते हैं हमारा किसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है बायो का, क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो बायो का क्वेश्चन है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। भाई बहुत ही सिंपल सवाल था कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या करता है, जो पाचन शक्रिया है आपकी वो क्या करती है, पाचन तंत्र। टू सर्कुलेट ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन। क्या भाई डाइजेस्टिव सिस्टम खून को, ऑक्सीजन को, इनको सर्कुलेट करता है क्या? नहीं, एक बच्चा ही बता देगा नहीं, इसका काम ये नहीं है। तो क्या करता है, टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। चलो देखते हैं इसके बारे में। या टू एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड द यूरिया ऑफ द बॉडी। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कोई मतलब नहीं है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं वो तो, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी आएगा। जो हम खाते हैं उसको अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में तोड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी के अंदर उन चीज़ों को। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी होगा 65 का। आई होप कि सबका सही होगा ये जवाब। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये भी, एंड्रोक्रीन सिस्टम वर्क्स टुगेदर विद द स्पेस टू मेंटेन द बॉडीज इक्विलिब्रियम। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र खालिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। एंडोक्रीन सिस्टम किसके साथ मिलकर काम करता है, ताकि बॉडी का इक्विलिब्रियम बना रहे, ठीक है, ताकि बॉडी का इक्विलिब्रियम बना रहे, मतलब बॉडी जो है आपकी बैलेंस रहे। बॉडी जो है आपकी क्या रहे जी, बैलेंस रहे, ठीक है। तो देखो ये नर्वस सिस्टम बॉडी को मेंटेन, बॉडी का इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है, आपका नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है। तो एंडोक्रीन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ में मिलके आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। अगर आपका भाई नर्वस सिस्टम हिल गया तो आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे, बॉडी के इक्विलिब्रियम बन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, ये भी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विटामिन बी की हेल्प से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, मेंटेनिंग गुड आई साइट, बिल्कुल। जब भाई आपकी आंखों की साइड में कोई दिक्कत हो जाती है तो विटामिन बी के कैप्सूल दिए जाते हैं। मेंटेनिंग योर स्किन स्मूथ, आपकी स्किन में भी विटामिन बी काम आता है, और मेंटेनिंग सेल हेल्थ। तो तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कितना रहेगा, डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सो अब आ गया है आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, दिस इज योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, डाइहाइड्रो एसीटोन है, या ग्लूकोज है, या ग्लिसेराइड एल्डिहाइड है, या कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोचिए एक बार, बहुत बड़ा ही क्या पूछा है, सवाल भी सरल है और सरलता से ही पूछा है, सवाल भी सरल है और सरलता से ही पूछा है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटीन, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मल्टी कॉम्पोनेंट है, ग्लूकोज भी मल्टी कॉम्पोनेंट है, ग्लिसेराल्डिहाइड जो है ये सिंगल कॉम्पोनेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। 68 का राइट आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इसमें से कौन सी फॉल्स है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 में, ठीक है। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं
हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। अगर दो आंसर भी हमें पता है तो भी हमें पता चल जाता है कि ठीक है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, फैट्स प्रोवाइड इंसुलेशन, ये बिल्कुल बात सही है। जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप ये मानो कि मोटे लोगों को जो है सर्दी कम लगती है, ठीक है। चलिए, फैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखते हैं, विटामिन ए डी ई के आर फैट सोल्युबल, बिल्कुल सही बात है। ये विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ये सोल्युबल हैं आपके, है ना, सोल्युबल हो जाते हैं ये भी बात सही है। फैट्स फॉर्म स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। वसा कोशिका, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मान लो कि मेरे को ये इसके लिए श्योर नहीं हूँ, बट मुझे अगर तीन पता है कि सही है तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा भी आंसर सही है, ठीक है। वैसे what is the right answer for this question? B is the right answer. Fat is only the source of energy for the central nervous system. ये गलत बात है, fat central nervous system के लिए energy का source नहीं होता है, ठीक है। चलिए, so this is your question number 69. बढ़ते हैं 7070 पे। 7070 question क्या कहता है? Question कह रहा है कि which of the following blood cells play an important role in blood clotting? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए, हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे वाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं, और एक कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स, जो डेंगू में कम हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम होता है कि अगर आपको कोई कट लग जाए तो ब्लड का क्लॉट बना देना। अगर किसी की प्लेटलेट कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा और आपका सारा खून जो है वो बह जाएगा। तो प्लेटलेट है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, क्या है इसका राइट आंसर? थर्मोबायोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 70, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे वही बात आ गई है। ये क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के और बता दिया। व्हाट हैपेंस व्हेन अ क्लॉट अकर्ड इन अ अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। अगर आपका मान लो क्लॉट बन गया है, ठीक है, और वो जो है कोई अनडैमेज्ड ब्लड वेसल के साथ में मिल गया है, तो आप क्या हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 71। देखो, यू वुड ब्लीड टू डेथ, नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं होगी उसके अंदर। ए स्कैब विल फॉर्म ऑन स्किन सरफेस, त्वचा की तरह पर सतह पर एक पपड़ी बन जाएगी, नहीं, ऐसा भी कुछ कोई बात नहीं होगी आपके साथ। प्लेटलेट स्टिक टू द एजेस ऑफ द कट एंड टू वन अनदर फॉर्मिंग अ प्लग। प्लेटलेट जो है कट के किनारों और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक प्लग बनना, नहीं। द फ्लो ऑफ ब्लड टू टिश्यू बियॉन्ड द क्लॉट मे बी कट ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें एक ये चांस बनता है कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है, वो रुक जाएगा और आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, और आप फिर मतलब डेथ की स्टेज तक जा सकते हो। तो क्या आंसर आएगा इसका? डी आंसर आएगा 71 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरिज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी बायो का क्वेश्चन है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके चलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके चलता है? देखो, सुपीरियर वेना कावा। देखो, वेना कावा तो जो होती हैं, वेना कावा जो होती हैं, वो आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती हैं। वेंस में एक एक्सेप्शन होता है, प्लूमिनरी वेंस, वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलती है आपकी, ठीक है। और कोरोनरी साइनस का अलग ही एक फंक्शन होता है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलता हो। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा, 72 का यहाँ पे डी आंसर आपका रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 73? चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 73 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या पूछा गया है, कहता है कि विच आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। देखो, दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक होती है फ्यूजन, ठीक है। क्या कह रहा है हिंदी में, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि आपका बड़ी चीज छोटी चीजों में टूटती है, और फ्यूजन में दो छोटी छोटी चीजें ऐड होके क्या बनाती हैं, बेसिकली
एक बड़ी चीज बनाती है। ठीक है, फिजन के अंदर आपका यूरेनियम 235 जो होता है ये यूज होता है फ्यूजन में भी और फिजन में भी। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 73, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यूरेनियम 235। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। द न्यूट्रल एटम ऑफ एन आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलिए, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या एमिट नहीं करते, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो क्या एमिट नहीं करते। हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट नहीं करते हैं, है ना, बनती है बात, मतलब अल्फा बीटा गामा एमिशन होता है बट प्रोटॉन जो है प्रोटॉन को एमिट नहीं करता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 एंड क्वेश्चन नंबर 77 ये एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस हैं, मतलब अपवाद पे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। कहता है कि जनरली ए नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कि सामान्यतः अधातुएं जो होती हैं विद्युत की चालक नहीं होती हैं। Which of the following is good conductor of electricity? है ना? तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा ऐसे धातु है जो विद्युत का सुचालक है। बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेफाइट जो होता है, दो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन से मेडअप होता है ना, कार्बन ही ग्रेफाइट है, कार्बन नॉन मेटल होता है आपका, बट फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है ना, ग्रेफाइट पेंसिल में जो आता है आपका। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, द ग्रेफाइट इज द राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो ये एक्सेप्शन में था, एक्सेप्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होती है, ऑलमोस्ट जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं, धातुएं होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उनके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। फिर एक्सेप्शंस भी हम पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है। इसी तरीके से ये नॉन मेटल का था और यहाँ पे मेटल का आ जाएगा, नॉन मेटल का, ये भी एक्सेप्शन पे है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड है। बिल्कुल सही बात है, मर्क्यूरी, पारा जो है आपका वो लिक्विड अवस्था में होता है ना, जो थर्मोमीटर के अंदर डलता है। ठीक है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है जो आपके टेम्परेचर को, आपके बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है, वो क्या होता है, पारा, मर्क्यूरी, और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ये भी एक एक्सेप्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब अपवाद से, ये क्वेश्चन अपवाद में आपको दिया हुआ है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये गिवन है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आप मेटल्स की, धातुओं की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि धातुएं जो हैं किस प्रकार से बिहेव करती हैं। ठीक है, कहता है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू वायर इज थिन वायर इज नोन एज, मतलब कि अगर हम इसके मेटल को अगर हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है इसकी। ठीक है, चलो देखो, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरोसिटी, कंडक्टिविटी, इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही है, डक्टिलिटी आएगा, तन्यता आएगा। ठीक है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली एक शो करता है मेटल कि हम उसको एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबिलिटी आपको पता है कि मेटल को पीट पीट के शीट में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मैलिएबिलिटी बोला जाता है। कंडक्टिविटी आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना, हीट उसके अंदर प्रवाह कर रहा है तो हीट कंडक्टिविटी, अगर करंट प्रवाह कर रहा है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत प्रवाह है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द डक्टिलिटी। 78 में क्या आएगा आपका जवाब, आएगा ए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 बड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी गैसें जो हैं वो भरी होती हैं, तो इसका आंसर क्या है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन एंड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 80। आई होप कि अब तक के आपके सवाल जो हैं वो सही होंगे, क्योंकि अब तक जो भी सवाल पूछे गए हैं कुछ ज्यादा भारी सवाल नहीं पूछे गए हैं, तो मेरे हिसाब से जनरल साइंस आपकी सही होगी इसके अंदर। अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटीरियल, ये देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, आपको पता है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए क्या यूज होता है। कार्बन यूज हो सकता है क्या, आप सोचो, कार्बन तो यूज नहीं हो सकता है ना, कार्बन तो क्या है आपका, एक बेकार मटेरियल है ना, कार्बन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी है ना। सल्फर आपको पता है कितना हैजार्डस होता है ना, फॉस्फोरस, क्या बच गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली आपके फूड को, आपके खाद्य सामग्री को प्रिजर्व, संरक्षित करने के काम आता है, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मुझे कि एन एलॉय मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है, एन एलिमेंट, भाई एलिमेंट तो नहीं है, है ना, एलिमेंट तो नहीं है। मिश्र धातु जैसे कि मैंने बताया कि दो कंपोनेंट को मिला के बनाया जाता है। फिर एक कंपाउंड है क्या, नहीं कंपाउंड भी नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर, देखो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मतलब मात्रा में होती हैं चीज़ें दोनों की, और मिक्सचर में किसी भी मात्रा में हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि आप उसको कहीं से भी चेक करें किसी चीज़ को, आपको हर जगह पे वो सेम प्रॉपर्टी दिखाता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक एलॉय जो है, मान लो कि आपका कुछ भी है, ब्रॉन्ज है, कुछ भी मान लो आप, स्टील है, कोई भी आपका मिश्र धातु है, तो ऐसा नहीं है ना कि कोई मान लो एलॉय है वो मान लो कि स्टील है, स्टील आयरन और कार्बन का बना होता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इस साइड में आयरन आयरन काम करेगा, इस साइड में कार्बन की तरह काम करेगा, नहीं। ये क्या है, एज ये कंबाइंडली क्या है, स्टील है, और आप इसको कहीं से भी आप देख चेक करोगे इस क्या किस तरीके से बिहेव करेगा, एज अ स्टील ही बिहेव करेगा। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है आपका एलॉय, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, दैट इज द सी। What is the right answer for this question? C is the right answer for this question. ठीक है, This is question number 81. ठीक है, चलिए तो ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन था PDF वाला। 83 पे आ जाओ, 83 पे आ जाओ। 83 क्या कहता है, 83 जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और बहुत बार सुना भी होगा आपने कि संगमरमर से बना है हमारा ताजमहल, और ताजमहल की चमक अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से जो है उसका जो कलर है वो क्या हो गया है, ख़राब हो गया है, कलर उसका उतर रहा है। तो ये आपने सुना होगा, अगर सुना है तो उसका सवाल ही सही होगा। द फिनोमिन ऑफ डिसकलरेशन ऑफ मार्बल इज ड्यू टू, मतलब कि संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है, मतलब उसका कलर जो है वो फेड किसकी वजह से होता है, अम्ल वर्षा की वजह से होता है, एसिड रेन की वजह से होता है, ये आपको पता होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 जनरल कंप्यूटर का वो है, बेसिकली आपका कंप्यूटर नॉलेज का है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन योर बॉडी। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र काम करता है, कौन सा तंत्र काम करता है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ये तो हमारे सांस लेने में काम करता है। एक्सेलेटरी सिस्टम
जो होता है वो हमें एक्सरेटरी करने के, जो जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जन्म वाली चीज़ें होती हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, बर्थ सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा है जो क्या करता है, आपके जो सिस्टम है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फूड और ऑक्सीजन को जो है हर एक सेल तक पहुँचाता है। सो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 85। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 क्या कहता है, 86 कहता है कि नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताओ। पैनक्रियास ग्लैंड या थैलेमस ग्लैंड या एड्रिनल या थायराइड ग्लैंड, बताइए क्या आंसर, क्या पॉसिबल आंसर होना चाहिए इसका। पैनक्रियास ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, आप सबको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी। तो आई थिंक बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। अभी भी बायो के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 87 भी बायो से रिलेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि ए कलेक्शन ऑफ टिश्यूज टू प्रोवाइड ए फंक्शन इज नॉन एज, एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑर्गन। तो इसके जब पढ़ाया जाता है बायोलॉजी तो ऑर्गन में सबसे पहली डेफिनेशन यही लिखवाई जाती है, अंग बोलते हैं। ऑर्गन क्या है आपका, टिश्यूज का कलेक्शन है बेसिकली, है ना। तो 87 का क्या होगा आपका राइट आंसर, जो होगा ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 87। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर 88 पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल रटने, मतलब यू कैन से कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ये, है ना। सीधा पूछा है आपसे कि विटामिन K1 का साइंटिफिक नेम बताओ, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइटोनाडियोन। फाइटोनाडियोन इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बनती है इतनी बात। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग। दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से निकाला जा सकता है, किस धातु को गलाने से निकाला जा सकता है, ठीक है, सॉरी गलाने से नहीं निकाला जा सकता है। तो एल्यूमिनियम जो है उसको गलाने से नहीं निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, राइट आंसर इज बी, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो क्या है, तो इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एफिनिटी जो है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा है आपकी, इसलिए एल्यूमिनियम को गलाने से, स्मेल्टिंग प्रोसेस से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 बायो का क्वेश्चन था, बट बहुत ईजी। कि कहता है द एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। बिल्कुल स्केलेटल सिस्टम जो है आपका, जो आपका कंकाल तंत्र है, है ना, आपका जो कंकाल ढांचा है ये सपोर्ट दे रहा है ना, जो भी आपका ढांचा खड़ा है वो किसकी वजह से खड़ा है, कंकाल तंत्र की वजह से खड़ा है ना। तो स्केलेटल सिस्टम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। हाँ जी, 91 क्या कहता है कि किसकी वजह से इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, नियासिन की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो पैलेग्रा, पैलेग्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पैलेग्रा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन बिल्कुल, स्टार्च बिल्कुल है, फिर सेलुलोज बिल्कुल है, स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है और हेपरिन भी है, ठीक है। तो इसके अंदर सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इसके अंदर सेलुलोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है,
बट यहाँ पे ये चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब पॉसिबल जो चार हैं आपके ये हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 92, फॉर द क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, क्रिएटिनूरिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कौन से विटामिन की वजह से क्रिएटिन यूरिया हो जाता है, क्रिएटिन यूरिया हो जाता है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 93। और ये इसका जो राइट जवाब है वो क्या है, विटामिन ई, विटामिन ई की वजह से आपको क्रिएटिन यूरिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है आपका, ये आपको सबको पता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे तो क्या होते हैं हमारे, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर कॉम्पोनेंट में बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, ब्लड ग्रुप जो होते हैं आपके भाई, किसी का ए है, किसी का ओ है, किसी का बी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो किस बेसिस पे बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है, तो रिएसेस फैक्टर बिल्कुल भी नहीं, हेमोग्लोबिन कंटेंट से भी बिल्कुल नहीं, वो क्या बोलते हैं ओ वाले में भी, बी वाले में भी हीमोग्लोबिन कंटेंट सेम हो सकता है, इसमें कोई नहीं है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी से बेसिकली मापा जाता है, एक आपकी हेरिडिटी और एंटीजन एंटीबॉडी से बेसिकली आपका क्या पता लगता है कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है ना। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, एमाइलेसिस इन सलाइवा बिगिंस द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू, क्या कहता है कि लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का खालिस्तान में टूटना शुरू करते हैं। देखो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन आपके मुंह में ही हो जाता है, जब आप खाने को चबाते हैं तो जो लार होती है वो बेसिकली जो आप फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट जो होता है उसके साथ में क्या करता है, उसको किस में तोड़ देता है। ठीक है, तो देखो जो आपका क्या बोलते हैं जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है आपका सलाइबा के अंदर, वो फूड को या का जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर के अंदर क्या कर देता है, तोड़ देता है, सिंपल शुगर के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि आपके डाइजेशन में हेल्प हो, डाइजेशन आपका फास्ट हो, क्योंकि सिंपल शुगर फर्दर आगे टूटने में क्या होता है, सिंपल होता है। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे आपका, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, दाल इसका अच्छा स्रोत है भाई, ये तो सबको ही पता होगा, बड़ी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, प्रोटीन हमें दाल से सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनका एकमात्र सोर्स मान सकते हैं कि प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर आर बॉडी, तो प्रोटीन जो है बेसिकली दालों का बड़ा अच्छा स्रोत है। ठीक है, चलिए अगेन क्वेश्चन बायोलॉजी से है, अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द एंटीजन फॉर एबीओ, द एंटीजन ऑफ फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन, द एंटीजन्स ऑफ फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सो 98 का यहाँ पे जवाब रहेगा आपका ए। चलिए फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 99 फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रक्त के थक्के के लिए होते हैं या रक्षा तंत्र के लिए होते हैं या आपके ऑक्सीजन परिवहन के लिए या प्रसारण संतुलन के लिए। भाई ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो हमें पता है प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डिफेंस मैकेनिज्म के, रक्षा तंत्र में। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 99, फॉर द क्वेश्चन नंबर 99। चलिए
चलिए अब सेंचुरी पे आ गए हैं, 100 पे आ गए हैं हम। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 100। कहता है 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 बोलता है, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज मिनरल्स विटामिंस सुगर एंड अदर फूड्स टू द बॉडी सेल्फ। ठीक है कि रक्त का कौन सा भाग खनिज विटामिन शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज द रिस्पॉन्सिबल टू कैरीज मिनरल्स एंड विटामिन सुगर एंड अदर फूड्स टू द बॉडी सेल्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि एमिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव्स बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अनचेंज। किसका एमिशन की वजह से एमिशन भी हो जाता है और मास नंबर और एटॉमिक नंबर अनचेंज रहता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अपरिवर्तित रहती हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो इसका आंसर क्या है सबको पता होगा। देखो बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर पॉजिटिव का, गामा रेडिएशन के अंदर क्या होती, गामा पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल होता है, गामा मासलेस होता है और यू कैन से चार्जलेस होता है। ठीक है तो इसके अंदर ना ही तो एटॉमिक नंबर और ना ही मास नंबर चेंज होगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 101। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे आओ। 102 बड़ा लंबी स्टेटमेंट हो गई। Which statement describe nuclear fusion? Nuclear fusion को कौन सी statement describe कर रही है? Nuclear नाभिकीय क्या गया, कहाँ गया? नाभिकीय संलयन। तो देखो जैसे मैंने बताया था नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, एक होती न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती न्यूक्लियर फीजन। फीजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फीजन में क्या होता है, फीजन में आपके दो एक एटम होता है, जैसे कि आपका हीलियम है, इसको तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूटता है, ये मतलब एक बड़ा एटम दो में टूटता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, तो दो हाइड्रोजन ऐड होके क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। देखो फिर टू हीलियम न्यूक्लियाई जॉइंट टू फॉर्म आ हाइड्रोजन, नहीं, दो हीलियम जुड़ के एक हाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं, है ना, तो ये गलत आंसर है। फ्यूजन है तो जुड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जॉइंट टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, ये इसका सही आंसर है कि दो जो हीलियम है वो ऐड होके क्या बनाते हैं, एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं, ये इसका सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 102 का, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 104 पे, 104 पे, 104 क्वेश्चन कहता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका ये, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। देखो रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप वायर को मोटा बनाए पतला बनाए लेंथ कितनी भी रखें, रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना, सामग्री की प्रकृति पे डिपेंड करेगा, ना ही तो इसकी मोटाई पे ना ही इसकी लंबाई पे, इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ना ही आकार पे ना ही लंबाई पे, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, सामग्री की प्रकृति पर डिपेंड करेगा आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। चलो अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज डिडक्टेड ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। देखो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो होती है वो यूज की जाती है टू डिटेक्ट द अर्ली कैंसर एंड द यू कैन से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो 106 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, Which of the following radioactive isotopes, which of the following radioactive isotopes has the longest half-life? किसकी सबसे ज्यादा longest half-life है? This is the question number 106. So dear students, uranium-238, rubidium-87, potassium-40 या carbon-14? carbon-14 की तो बड़ी छोटी सी half-life होती है, तो यहाँ पे rubidium-87 जो है इसका right answer है, रूबीडियम 87, और इसकी लगभग लगभग जो हाफ लाइफ होती है वो 48 बिलियन ईयर्स होती है,
ठीक है, 48 बिलियन ईयर्स जो होती है इसकी हाफ लाइफ होती है रुबीडियम 87। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, कि ए फ्यूज वायर रिपीटेडली गेट्स बर्न्ड व्हेन यूज्ड विद अ गुड हीटर। कहते हैं कि एक अच्छे हीटर के साथ, एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, तो क्या किया जाए कि भाई फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, तो क्या करें, क्या करें, उसकी लंबाई को बढ़ा दें या त्रिज्या को बढ़ा दें या कम त्रिज्या कर दें, लेस लेंथ कर दें, मोर रेडियस कर दें, मोर लेंथ कर दें या लेस रेडियस कर दें। ठीक है, बताइए क्या समझ में आ रहा है। तो भैया इसका मतलब ये है कि एक फ्यूज वायर जो है वो बार बार जल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस उसके अंदर ज्यादा है, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें कैसे ना कैसे करके अगर हम उसका रेजिस्टेंस कम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, अगर हम रेजिस्टेंस कम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम कैसे कर सकते हैं आप, उसकी रेडियस को बढ़ा दो, उसकी मोटाई बढ़ा दो, बेसिकली उसकी मोटाई बढ़ा दो, थिक बना दो उसको, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा और फिर वो फिलामेंट जलेगा नहीं। तो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर रहेगा 107 क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस जो है जो बेसिकली नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, O3 की प्रेजेंस से क्या होती है कि पराबैंगनी किरणें हमारे ऊपर नहीं आती हैं, स्किन कैंसर से हम बच जाते हैं, है ना। ओजोन O3 होता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है ओजोन, और यू कैन से कि हमारे जितना पॉल्यूशन जितना हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है ज़्यादा, मतलब यूवी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें हमारे स्किन तक पहुंचेगी, और हमें अगर यूवी रेज में हमारा स्किन का एक्सपोजर हो गया तो हमें स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देख लो क्या आंसर आएगा इसके अंदर, तो सी देख लो, हेल्प्स इन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ, ये इसका सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस द क्वेश्चन 109। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, द मेजर फोटो केमिकल स्मोग। चलिए भाई, द मेजर फोटोकेमिकल स्मोग, ओके, सो हाइड्रोजन परोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो जो मेजर फोटोकेमिकल स्मोग है वो आपका क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 110। फिर आज ये क्वेश्चन नंबर 111 पे, 111 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीडीटी। डीडीटी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है, ठीक है, डीडीटी पहले तो देख लेते हैं, डीडी क्या है, डीडीटी क्या है, डीटी है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, डीडीटी, ठीक है, डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पे कार्बन तो होंगे ही उसके अंदर, है ना, हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, फिर आपका क्लोरीन भी होगा, ठीक है, डाइक्लोरो है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, फ्लोरीन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो फ्लोरीन इसके अंदर नहीं है, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका क्या नहीं होगा, नहीं पूछा है ना, नॉट, तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 111, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए डीडीटी का काम आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 112, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट से क्वेश्चन है आपका कि ASLV का फुल फॉर्म बताओ, ASLV, PSLV, है ना, GSLV, ये हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं जिनसे सैटेलाइट बैठ के ऊपर अपना बढ़िया मस्त ट्रैवल करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 112, ऑगमेंटेड, ठीक है, ओके। जैसे एक होता है PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, एक होता है GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 113 पे आओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ मेलेनोमा? मेलेनोमा क्या है? स्किन कैंसर. स्किन कैंसर का मतलब, या ये बड़ा ही मतलब इजी सवाल था, आप इसको बड़े आराम से बता सकते हो. एसिड रेन से स्किन कैंसर नहीं होता है, अभी थोड़ी देर बताया, पहले बताया मैंने. अगर ओजोन का डिप्लेशन हो गया तो स्किन कैंसर में आपके पॉसिबल चांस हैं, क्योंकि वहाँ पे यूवी रेज जो हैं आपकी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं. ठीक है, क्योंकि यूवी रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गामा रेज हो गई आपकी, यूवी रेज हो गई आपकी, एक्स रेज हो गई आपकी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इसलिए तो एक्स रेज जो होती हैं आपका जो बॉडी के अंदर एक्स रे ले लेती है, मतलब आपके इनको पेनिट्रेट कर दिया, आपके फ्लैश, आपके जो टिश्यूज़ हैं इनको पेनिट्रेट करके अंदर तक की पिक्चर आपको दे देती है. सो ओजोन डिप्लेशन इज द बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस. मतलब क्वेश्चन रिलेटेड में, मतलब एक ही टॉपिक पे तीन चार क्वेश्चन दिए हुए, मुझे ऐसा लगा है ना, जैसे ओजोन ओजोन पे तीन से चार क्वेश्चन दे दिए, न्यूक्लियर फ्यूजन पे तीन से चार क्वेश्चन दे दिए एक ही बात पे, तो बड़े रिलेटिव क्वेश्चन. फर्स्ट एड पे दो क्वेश्चन दे दिए, बताओ. ये आपका करंट का क्वेश्चन दे दिया साइंस में, सैटेलाइट में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में करंट का क्वेश्चन दे दिया. सिंधु नेत्रा सैटेलाइट हैज रिसेंटली बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूजिंग विच पीएसएलवी? सो इट इज PSLV C51 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 115 पे, हु डिस्कवर्ड द इरिडियम लेयर एंड वॉन नोबल प्राइज? किसी ने इरिडियम लेयर को खोजा और नोबल प्राइज जीता, तो यू था लुइस आल्वारेस. तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लुइस आल्वारेस. ओके, चलो आगे बढ़ो. तो ये भी करंट से क्वेश्चन है बेसिकली. आजकल प्लूटो पे बड़ी बात चल रही है, कि आपको पता है कि प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया था, तो प्लूटो पे अभी बड़ी बात चल रही है. तो करंट का ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड बाई नासा टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट. सो दिस इज बेसिकली नॉट प्लैनेट, दिस इज द ड्वार्फ प्लैनेट. तो ये प्लूटो है भाई आपका. प्लूटो की स्टडी के लिए न्यू होराइजन जो है, न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च किया गया था नासा ने. ओके, चलिए. सो वट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 116 117. ओके, 117 पे आइए. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 117? देखिए, इफ द ब्लड ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स इज मिक्स्ड टुगेदर, व्हाट अ प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड? अगर दो अलग अलग समूह के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? समस्या होती है एग्लूटिनेशन की, एग्लूटिनेशन की समस्या वहां पे हो जाती है. तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इज ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बायो बहुत ज्यादा गिवन है, बहुत बायो गिवन है. चलो अब यहां पे देखो मैं बता रहा था एक ही चीज पे दो क्वेश्चन दे रखे. अभी हमसे डक्टिलिटी पूछ लिया गया था, अभी हमें डक्टिलिटी पूछ लिया गया था, फिर से डक्टिलिटी का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन? घंटियां और सितार और वायलिन जैसी वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? मतलब डक्टिलिटी दो क्वेश्चन दे दिए है ना, एक ही चीज पे दो क्वेश्चन दे दिए. व्हाट इज द राइट आंसर? डक्टिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 119 पे आइए. हु इन्वेंटेड द बायोफोकल लेंस? बायोफोकल लेंस कब लगाए जाते हैं? जब किसी को ऐसी आई डिफेक्ट है कि उसको दूर का और पास का दोनों का ही ना दिखे, तो बायोफोकल लेंस लगाए जाते हैं. और बायोफोकल लेंस इन्वेंट किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बायोफोकल लेंस को क्या किया था? ईजाद किया था. ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन 120, एंड दैट इज, हु इज द फाउंडर ऑफ ओशिनोग्राफी? ओशिनोग्राफी का जो है कौन जनक है, कौन पिता है? तो मैथ्यू मोरे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इट इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज द बी इज द राइट आंसर. ओके, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन, एंड आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हों. और ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट तो नहीं था,
नहीं कहूँगा कि डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं वैसे भी, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा। आज अपन MBSI का GK का पेपर सॉल्यूशन, राजस्थान GK, इंडिया GK का पेपर सॉल्व करेंगे। राजस्थान की संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति, जिसके लिए कहा जाता है कि अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गहर पे जाके भीख न मांगो, अभी अपने घर में खजाने बहुत हैं। तो MBSI की पेपर सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 1, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है कि हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। और इसमें टोटल 953 खिड़कियां हैं, टोटल 953 खिड़कियां हैं। सवाई प्रताप सिंह ने 22 विद्वानों को अपने यहां शरण दी थी। उनको कहते हैं गंधर्व बाई सी, उनको उसको कहते हैं गंधर्व बाई सी, उसको कहते हैं गंधर्व बाई सी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? ये इंग्लिश की हिंदी करने के चक्कर में चक्कर पड़ गया। इसको कहते हैं पवाड़े, और पवाड़ी का मतलब है गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। तो आपको पता है कि ये बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है, और राजस्थान में बाबूजी के पावड़े, बहुत प्रसिद्ध हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वो नाम है रोही, उपजाऊ क्षेत्रों को रोही नाम से जाना जाता है। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसकी खनन से जुड़ा है? खोदरीबा जो क्षेत्र है वो अलवर में है। और खोदरीबा जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है तांबे से, खोदरीबा तांबे से जुड़ा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर का जल स्रोत है? तो वो है सतलज नदी, हरिके बैराज से। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक गेहूं गंगानगर में होते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश, और विश्व में चीन में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया? तो यह अंगीकृत किया 1 सितंबर 1973 को, राजस्थान में झामर कोटड़ा की खदाने निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप बताओ, ये प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की, ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी?
तो ऐसे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि करने वाली जो राजस्थान की रियासत थी वो थी करौली, वो थी करौली। करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह, करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। और भारत में हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। जनरल ह्यूरोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर नेता बताया? जनरल ह्यूरोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर नेता बताया? तो बताया था रानी लक्ष्मीबाई को। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था, जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में, मृत्यु पर कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई अकेली औरत मर्द है, भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई अकेली औरत मर्द है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में राजस्थान ब्रिटिश छावनियों को कितनी छावनियों में विभाजित किया गया? तो 6 छावनियों में विभाजित किया गया था, 6 छावनियों में। ए ननी ब्याव देखें, ए ननी ब्याव देखें, 6 छावनियों में विभाजित किया गया। ए से एरिनपुरा, ऐसे एरिनपुरा, नैसे नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याव से ब्यावर, दे से देवली और खैसे खैरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी, इनमें से एक छावनी नीमच मध्य प्रदेश में थी। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथीट्स लिखा, बिल्कुल सही है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रिंसिप ऑफ जीसस की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये चारों ही कथन सही है, इसका मतलब ये चारों ही कथन सही है बेटा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। सार्वजनिक जो उपस्थिति दर्ज की थी, आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1893 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आए थे और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुलेंड कंपनी का केस लड़ने, अब्दुलेंड कंपनी का केस लड़ने 1893 में गए थे, केस लड़ने 1893 में। लेकिन जो सार्वजनिक उपस्थिति की जो बात होती है, सार्वजनिक उपस्थिति उन्होंने कब दर्ज की? सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी 1916 में बीएचयू में, 1916 में बीएचयू में उन्होंने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय उन्होंने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है? ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो गया है। राज्यपाल तो अच्छा स्वशासन का बिल्कुल विकल्प है, लेकिन ये अंग्रेजों का, यहां अच्छे राज्यपाल से मतलब यहां अंग्रेज सरकार से है, राज्यपाल से गुड गवर्नर से मतलब यहां अंग्रेज सरकार से है। और इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, बचपन का नाम मूल शंकर था, और उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो नारा दिया था उन्होंने, और सत्यार प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस लिया था,
फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का नहीं पूरे विश्व का प्रथम किसान आंदोलन सबसे बड़ा था, 44 साल चला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? पहला जन आंदोलन, सबसे पहला जो आंदोलन था वो टर्की में चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, खिलाफत आंदोलन था। खलीफा पद की पुनर्स्थापना करने के लिए आंदोलन चलाया था, तो इसमें ठीक है ना, देख लेना इसको, खिलाफत आंदोलन। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? किस जिले से थे स्वतंत्रता सेनानी बताओ? तो स्वतंत्रता सेनानी जो हीरालाल शास्त्री, वो राजस्थान के जयपुर के जोबनेर से संबंधित, जोबनेर जयपुर संबंधित थे। और हीरालाल शास्त्री की प्रथम पुस्तक का नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? उल्लेखनीय महिला नेता थी दापी दादी। खालिस्तान नरसंहार को राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो अलवर जो नरसंहार है, अलवर नीमू चना में जो नरसंहार है उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी ने कहा था। और जो कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप नामक समाचार पत्र, उसने इसे जलियांवाला बाग से भी नृशंस हत्याकांड की संज्ञा दी, करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल सिंह भाटी ने करवाया? किसका निर्माण राव जैसल सिंह भाटी ने करवाया था? तो जैसल सिंह भाटी ने सोनारगढ़ किला का निर्माण कराया था। सोनारगढ़ किला 1155 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था, 1155 में इस किले का निर्माण हुआ था। ये दुर्ग पीले पत्थरों से निर्माण होने के कारण इसको सोनारगढ़ कहा जाता है। और इसमें इस दुर्ग के अंदर एक जैसलू कुआ विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित जैन धर्म ग्रंथों का भंडार है। अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा था कि इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो रेत के समंदर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। धौलपुर प्रजामंडल के जो बिल्कुल प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कृष्णदत्त पालीवाल। ओके, 1905 में वर्धमान पाठशाला की, जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने इसी टाइम कहा था कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो भारत माता की सेवा कौन करेगा? चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी लोक नृत्य, वैसे तो ये क्वेश्चन ही डिलीट होने वाला है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है किशनगढ़ में फल्गुभाई चरी नृत्य की बड़ी नृत्यांगना है। लेकिन आपको पता है, गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि किशनगढ़ जिला नहीं है, तहसील है अजमेर जिले में, ठीक है ना? तो आपका गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है?
किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी तो है जालौर में, सुवर्णगिरी तो है जालौर में, और स्वर्णगिरी है जैसलमेर में, और स्वर्णगिरी है जैसलमेर में, सुवर्णगिरी तो है जालौर में, और सुवर्णगिरी है जालौर में, सुवर्णगिरी जालौर में। ओके, क्या नेक्स्ट? रम्मत लोक नाट्य, रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? तो रम्मत लोक नाट्य को जो निभाएगा उसको कहेंगे खेलर, उसको खेलर कहा जाता है। कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? कौन सा शहर है जो बिल्कुल पेपरलेस हो चुका है? वो है दुबई, दुबई भी सही है। कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस जीएसटी का बुलेटिन जारी करता है? तो वो है विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान जारी करता है। किस संस्थान ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? अंकटाड, अंकटाड ने, ठीक है। किन जिलों में 106 जिला परिषद, 568 पंचायत समिति सदस्य, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों, 30 प्रधानों और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए? वो हैं बारा, करौली, गंगानगर और कोटा, ए। २०२१ में होम रिडक्शन कार्सोटियन द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक 30 देशों में 18वीं रही थी और पहला स्थान रहा था नॉर्वे का। राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सरधवा चलाया गया था? राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरधवा चलाया गया था 23 से 28 जनवरी 2022। दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों की आजादी 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की? तो दिसंबर 2021 में शहरों की आजादी स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। राजस्थान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अकील कुरैशी को। निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? किसके कारण? आपको पता है कि केंद्र में तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल सत्र बुलाता है और आहूत करता है, तो ये सत्र समाप्त हो जाता है सत्रावसान के कारण। राज्य राज्य के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? मैं शक्ति उड़ान योजना, जागृति कार्य वापसी योजना, दोनों सही है सर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की नहीं की जाती, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, सॉरी माफी चाहूंगा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती,
लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता। ओके, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? कैबिनेट मंत्री ले सकता है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो आपको बताया कि ये जो शक्ति है नया राज्य बनाने की, वैसे तो सर ये संसद के पास है, वैसे ये शक्ति नए राज्य बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, लेकिन फाइनली साइन होने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास, तो इसमें संसद ऑप्शन में नहीं था, तो करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित कराने के लिए संशोधित किया गया? यह क्वेश्चन इस बार आरएस में भी आया था। किस धारा के अंतर्गत ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी मतलब वीडियो प्रस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया, तो वो धारा है 89 89। निम्नलिखित राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किसकी लिखित सलाह पर? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है सर, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? 164 का क्लॉज 2 होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज को सांवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो वो है ग्राम पंचायत। डंकन मार्ग स्थित है, डंकन मार्ग कहां पर स्थित है? दक्षिण और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, दक्षिण और लघु हिमालय के मध्य। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है लघु हिमालय के बीच। कौन सा राज्य अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ साझा नहीं करता? वो है मिजोरम। भारत के में किस प्रकार की वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। राजस्थान में अधिकांश वर्षा है, बिल्कुल गलत है, तीनों ऑप्शन ही गलत है सर इसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जानते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून से राजस्थान भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों में शामिल है
सख्त और छोटी झाड़ियां, ये क्वेश्चन अभी बहुत चर्चाओं में रहा है। 56 खालिस्तान राज्य में वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, वर्षा जल संचयन तमिलनाडु में अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? मुख्य कृषि की, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है पशुपालन भी होगा और फसल भी साथ साथ होगी। सी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंसिका शैली से मिलती जुलती है? तो वो है मेवाड़ शैली। निम्नलिखित में से कौन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है? किन उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है? तो अनिवार्य लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक, एयरस्पोर्ट्स और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, तीनों को दिया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस राज्य में, किस राज्य में स्थित उदयपुर में, उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की, उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की? वो है त्रिपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आभार मित्रों, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.